गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज सुबह के 8:30 बजे और फॉर अ चेंज मैं सुबह जल्दी उठी हूँ, तो ये तो मैं आज पूरे व्लॉग में गाने वाली हूँ, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि मैं इतनी जल्दी उठी हूँ। आई थिंक 2 साल हो गए मैं इतनी जल्दी तो कभी भी नहीं उठी हूँगी। और ठंड बहुत ज़्यादा है दिल्ली में आज भी, पता नहीं क्या है यार, अब की बार इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है ना, बहुत ही ज़्यादा। मेरी जैकेट से आपको पता चल रहा होगा कि मैं ठंड में कितनी ज़्यादा ऐसे ठिठुर रही हूँ। एनीवेज अभी सुबह हुई है, मैं और मम्मी जा रहे हैं काम से, कुछ मंदिर में कुछ पूजा है और फिर मैं जाऊंगी अपनी मौसी के घर, तो मैं आप लोगों को वहीं पे मिलती हूँ। फाइनली वी हैव रीच्ड। सामान निकालो मम्मी। एनीवेज गाइस, प्लान में थोड़ा सा चेंज है। मैं घर आ गई थी बहुत देर पहले, मतलब इट्स ऑलमोस्ट 3:00 राइट नाउ। बहुत ज़्यादा ठंड थी और मैंने फटाफट से आकर के कपड़े भी चेंज कर लिए, क्योंकि मैंने तब से ना सिर्फ ऐसा कुछ कॉटन का पहना हुआ था और भाई मुझे बहुत ठंड लग रही थी। और मौसी के घर भी मैं हो आई थी, ज़्यादा मैंने कुछ खास शूट नहीं किया वहाँ पर, बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू एन्जॉय अ बिट। तो मैं अभी घर आ चुकी हूँ और घर आने के बाद मैं वापस बाहर जा रही हूँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स का प्लान बन गया कि कुछ बाहर जा करके खाना है। So I think we are going to some like a very nice place or something like that. I'm not sure. तो मैं दोस्तों से मिलवाती हूँ और जहाँ पहुँचेंगे वहाँ क्या खाएंगे उसकी मैं अपडेट आपको देती रहूँगी। Hello. Hey. No hello. यार hello बोल रहे हैं। Only bye bye. क्या bye bye? हम कहाँ जा रहे हैं? यार क्या खाना है? हम यहाँ से जाएंगे एयरपोर्ट, वहाँ से हम फ्लाइट करेंगे, फिर हम जाएंगे न्यूयॉर्क, फिर हम न्यूयॉर्क में वहाँ पे एक भल्ला पापड़ी मिलती है फेमस, वो खा के आएंगे हम। न्यूयॉर्क फ्राइज। मम्मी मैं पिज्जा खाने जा रही हूँ, ये नहीं बताऊंगी कहाँ पे जा रही हूँ मैं। पिज्जा खाने आई है तू बाहर? नहीं ना, पागल है क्या तू? मूलचंद चलना है? मूलचंद चलो 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 चलो, लेट्स गो। अब बता दोबारा से। तो मम्मी ने जैसे ही खोला ना, मम्मी बोली कहती यार ये लड़की कहाँ देखी है मैंने, कहीं तो देखी है मैंने, ये यूट्यूब पे कैसे आ रही है ये। तो मम्मी ने, भाई मैं अंदर रूम में बैठा था, मम्मी ने स्क्रीनशॉट लेके भेजा, कहती इस लड़की को तू जानता है क्या? मैंने कहा हाँ, मुझे भी देखी दिखाई सी लगी। मम्मी दो वीडियो और देखो, मैं भी देखूंगा। इतने में भाई इसका एक व्लॉग होगा, कोई झलकी के बर्थडे का है किसी का, ओ भाई साहब उसमें तो हम गुट बनाए खड़े हैं सारे के सारे। फिर मम्मी कहती ओ हो, ये तेरी दोस्त है? कहते तेरे इतने बड़े दोस्त भी हैं। बड़े मतलब कहने का क्या मतलब है? अब तू बड़ी बन गई ना, अब तू ब्लॉगर बन गई ना, अब उनको क्या पता, तो हलवा चीज है। तो राइट लेना आगे से। अबे यार कैसी, कहाँ पे आए? संजय चूर चूर नान। क्या खाएगा? तेरे को क्या खाना है? चूर चूर नान। काफी बेहतरीन मेन्यू है इसका। कौन सा अच्छा होता है? चूर चूर नान। अबे अच्छा कौन सा होता है, क्या होता है? चूर चूर नान। ये तो पागल आदमी है क्या यार, यार कुछ ज्यादा ही वैरायटी नहीं है? अबे वो कनाडियन के मिस्टर कनाडियन आ जाओ, मुझे नहीं बताना यार। मूलचंद है? हाँ, तो ये मूलचंद के मेट्रो स्टेशन के जस्ट नीचे है संजय चूर चूर नान। तो आपको पता होगा, बट ये दोनों अमेचर हैं, इन्हें नहीं पता था ये। मैं तो पहली बार ही आई हूँ भाई, पर हाँ यहाँ के चूर चूर नान काफी फेमस है। ज्यादा ही ठंड है, अंदर ही कार्यक्रम सेट हो गया। अबे भाई ये तो खुली नहीं रही यार, इसे चाकू ले गया भैया, चाकू तो दे दो इसे। काफी बेहतरीन तरह से खाना खाते हुए और धूप के मजे लेते हुए हम कहाँ जा रहे हैं? अरे कॉपीराइट आ जाएगा, इसको बंद कर भैया। ओहो कॉपीराइट आ जाएगा तो हम गा सकते हैं, मतलब मेनू तो ले जा कितने दूर, अब मतलब हाँ जैसे हिसाब से हम गाएंगे उस हिसाब से तो कॉपीराइट कभी नहीं आएगा। हाँ, तो बोलेगा भाई ये तो मैंने भी नहीं गाया गाना, ये गाना है या डायलॉग है, इसे गा के बताओ। बादशाह को नहीं करता हूँ, चलो इसे गा के बताओ। और अब हम पहुंचे मयूर विहार। ये कौन सी जगह है मयूर विहार की? ये पहले बता, लगने पे आवाज आएगी या फिर रुकनी है पहले? अब लग गई। नहीं आवाज नहीं आएगी। क्या खाने जा रहे हम? पेरी पेरी फ्राइज। पेरी पेरी फ्राइज खा लो दोस्तों, ये अच्छी नहीं है ना? गरीब है ये, पेरी पेरी फ्राइज खा रही है। मैं गरीब यूट्यूबर है। अच्छा चल ठीक है, बाय बाय। ए बाय।
और अब फाइनली जा रहे हैं घर। बहुत ज्यादा थक गई हूँ रास्ते में, मतलब सुबह 7:30 बजे से ये टाइम आ गया। अभी भी 7 बज रहे हैं, 12:30 घंटे हो गए हैं। ना मैंने आराम किया है ना मैं सोई हूँ, मैं बहुत थक गई और मैंने पक्का घर जाके ना डेड हो जाना है। फाइनली घर पहुँच कर कुछ आराम मिलेगा। हमारा न्यू हीटर, क्योंकि हमारा पुराना फूक चुका है। ऑक्सीजन हीटर डायरेक्ट ओपन में नहीं होते, वो ऑयल को वो गर्म करता है। ओके, तो ये है किसका? अंदर ऑयल होता है बजाज का, काफी फैंसी सा है ये। नहीं नहीं, वो सर्कुलेट होता है। और पुराने वाला का है भाई हमारा, उसकी तो बेचारे की बेकदरी हो गई। हमारा पुराने वाला भी दिखा देती हूँ, ये बेचारा हमारा पुराना हीटर जो फूक चुका है पूरी तरह से। ठंड इतनी ज्यादा है कि इमरजेंसी में हमें न्यू लेना पड़ा। चलेगा तो 1600 वॉट, ये करोगे तो 1600 वॉट, ठीक है। फिर इसको बंद करोगे, इसको करोगे तो 2000, दोनों ऊपर तो 2400। इतनी वॉट का क्या करना है? और इस यहाँ से ड्राइंग रूम में लगाया था, हीटिंग कम ज्यादा होगी। और ये ब्लोअर का, ब्लोअर यहाँ से हवा फेंकता है, यहाँ से सक करता है, इधर से फेंकेगा। अब इसको इंस्टॉल करने का काम शुरू हो चुका है। इसको तो उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा है ना, अदरवाइज एक मिनट ये हटाओ ना, वरना वो नीचे गिरेगा। ऑल सेट ना, इसके हमने व्हील्स भी लगा दिए हैं। पर अब हमें पावर का स्विच नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसकी वायर छोटी है और हमारे सारे पावर के स्विच बहुत ही हाइट पे लगे हुए हैं, जैसे कि उधर। सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, एंड आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई एम गोना सी यू सुपर सून। बाय बाय।